में इतना चला जाएगा जीपीएम में एक बस आ सकती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भोपाल में आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी दो तीन बातें जो प्रमुख हैं जिनके लिए आपके बीच में आया हूं आपसे करना चाहता हूं। भोपाल झीलों का शहर बोला जाता है, गहराई का शहर बोला जाता है, और गहराई नापने का काम शिक्षक कर्मचारी करता है। जनगणना कौन करता है? पोलियो कौन चलाता है? कौन पिलाता है? मिड डे कौन खिलाता है? मतगणना कौन कराता है? अरे जिस ईवीएम के दम पर तुम फूल रहे हो वो ईवीएम भी हमारा पीठासीन चलाता है। आप अपनी ताकत को समझो। जिस कुमार में चौहान साहब बैठे हैं राजमहल में, अगर हमारा पीठासीन थोड़ा सा लोग समझदार घुमाए, यूपी के लोगों ने जो पोस्टर बैनर का मैंने आह्वान किया, उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में 312 सीटों पर ओल्ड फॉर ओपीएस जीता। 312 सीटों हमारा जो प्राइमरी का सुदूर वो छिंदवाड़ा, वो ग्वालियर, वो रीवा, वो संभाग का, उज्जैन संभाग का जो आदमी हमको फोन करता था, बंधु जी बताइए मैं पीठासीन बना हूं मैं क्या करूं, हमके पीटो। पीठासीन क्या करेगा? और उस दिन माननीय मंत्री महोदय भी अगर हमारा पीठासीन नहीं चाहेगा तो उसके बूथ के अंदर नहीं जा सकते। और हमको लोग एमपी वाले भी तैयार हो रहे हैं क्या? लेकिन आपको थोड़ी बात बताना चाहता हूं, उसमें अड़चन के हाथ जाति आ जाती है। जाति मेरी जात का विधायक चुन रहा है, मेरे क्षेत्र का है, मेरे धर्म का है, मेरा पड़ोसी है। थोड़ी देर के लिए आप बुढ़ापे की राखी के लिए सब भूल जाना, एक बात याद रखना, तुम्हारे बोल से पेंशनधारी हो जाएगा, तुम नहीं होगे। लेकिन अगर तुमने हमारे हिसाब वाला वोट दे दिया तो उसकी भी बन जाएगी, भूतपूर्व हो जाएगा और तुम्हारी भी बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को ना? लेकिन मैं इसके पहले इस चर्चा को जरूर करूंगा बड़े अदब और सम्मान के साथ, बड़े लिहाज में। आज ये भेल मैदान में आपको बैठने की जगह जो मिली है, ये कुर्सी और टेंट जो माइक मिला है, ये यूं ही नहीं मिल गया। भारत के आजाद लोकतंत्र में हमको अपनी बात कहने के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा है। ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये उन राजनेताओं को बताने का है। भगत सिंह चंद्रशेखर ने इसलिए कुर्बानी की कि एक एक आदमी हिंदुस्तान का सत्ता से सवाल कर सके, और हम आपसे पूछने आए हैं हमारी बुढ़ापे की लाठी का, तो आप कहते हो परमिशन नहीं देंगे। यही लोकतंत्र के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी दी थी, इसी के लिए मुझे बहुत शर्म के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि हाई कोर्ट के परमिशन के बाद ये शासन और प्रशासन आपको यहां बैठने का इसका बदला। और हम भी बताएंगे हम कलम के लोग हैं, अगर कलम चला दिए तो कई सत्ताएं से हिली है और गिरी है और चली गई है। आप हाई कोर्ट के परमिशन से हमें परमिशन दे रहे, हम अपनी बात, हम कोई डकैत है? हम चंबल से कोई डकैत आए हैं? हम कोई आतंकवादी हैं? अरे हम साधारण से अध्यापक हैं, प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भारत का भविष्य बनाते हैं, हम वो हैं, और हमको आप रोक रहे हो और फिर आप कहते इतिहास पढ़ाओ, इतिहास में लोकतंत्र पढ़ाओ। क्या यही लोकतंत्र पढ़ाएंगे? हम नागरिक शास्त्र के, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और हम उसके टीचर भी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। लोकतंत्र हमको पढ़ाने के बाद कहते हो और हमारे लोकतंत्र पर कुठाराघात करते हो, यही सत्ता होती है? बहुत पीड़ा है मैं, लेकिन फिर भी परवान नहरी और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। मैं चुनौत करता हूं इनके संगठन के जज्बात को, और जितना इस बच्चे जितना आपने एग्रीमेंट कराया है ये नहीं, मैं पूछना चाहता हूं क्या राजनेताओं की रैली में ये एग्रीमेंट होता है क्या? जब राजनेताओं के एग्रीमेंट नहीं होता, उस देश के, उस राज्य के जनता के साथ एग्रीमेंट क्यों हुआ है?
आपकी पेंशन से वंचित है। हाई कोर्ट के परमिशन के बाद भी आप उसको पेंशन नहीं दे रहे हो। इस देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो सुरक्षा देने का काम करता है, बहुत पीड़ा है मुझे, बहुत तकलीफ है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर फख्र है कि सबके अवरोधों के बाद भी आज आपको यहां हमको बैठने का मौका मिला। क्योंकि जो वो परमिशन देने का काम करता है उसका भी मन था परमिशन मिल जाए, लेकिन कहता था ऊपर से आदेश से परमिशन ना दिया जाए। वो बैठा हुआ आदमी क्योंकि हमारा एनपीएस का है तो चाहता है कि नहीं यार आप सही लड़ाई लड़ रहे हो, तो चाहता है। तो मैं इस पूरी प्रक्रिया में माननीय मंत्री जी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप जब जब भी संकट का समय आया आपने साथ दिया। मैंने किसी राजनीतिक दल के लोगों को बुलाया नहीं, लेकिन हम अपना मन सजाए हैं, कोई भी आए मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी आ जाए, क्या दिक्कत है। पूरा प्रदेश का पढ़ा लिखा कर्मचारी इधर है, आप किधर हो। और सुना हूं आज से विकास यात्रा निकल रही, विकास यात्रा का है का लोकतंत्र की हत्या करने का, इसी में विकास है। और ध्यान रखना ये जो बैठा हुआ मास्टर है इसकी पहली निगाह है विकास इधर है कि उधर है। आपका विकास जहां होगा होगा, हमारा विकास तो ओपीएस है, सही है। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं शासन प्रशासन के लोगों ने, जहां हमको चेता तमाम इलाही में लोग घूम रहे हैं, शासन में तमाम लोग आते हैं, विजय बंधु को एक एक चीज कवर की जाती है। ये गए थे डीजीपी कार्यालय, इनको दिखाया गया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला। अरे मैंने क्या बोला, हमने कहा पुरानी पेंशन दो, यही बोला और क्या बोला, इसी जगह क्या बोल रहा हूं। हाँ चुनाव में और बोलूंगा, बंधु जी संघर्ष के लोग हैं वो कहते साहब हमारी मजबूरी है, मैं तो चाहता हूं आपके साथ खड़ा हो जाओ, और तभी कभी गुस्सा लगता है नौकरी छोड़, आपके नौकरी छोड़ दो पेंशन नहीं मिलेगी। वही रहो काम इधर का करो। हमारे दूत हैं सब जगह है, मुख्यमंत्री के ऑफिस में भी हमारे दूत हैं, उन्होंने भी सूचना भेजी है बंधु जी आओ। सही, बिल्कुल सही जा रहा है, यहां भी बैठ के मंथन हो रहा है। हम कहीं ज्यादा एक महीने का टाइम दूंगा बस, ठीक रहेगा एक महीने बस, इससे ज्यादा नहीं। आप क्या सहमत है? सहमत है, एक महीने का वक्त दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो पुरानी पेंशन बहाल करे और दोनों हाथ ऊंचे करके एक महीने का वक्त दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, बड़ी विनम्रता से बड़े अदब के साथ एक महीने में आप पुरानी पेंशन पर निर्णय लीजिए, एक महीने बाद निर्णय इधर वाले करेंगे, उधर वाला काम खत्म हो जाएगा। सहमत है, तैयार है। ये जो सिलसिला चला महेश्वर से, महेश्वर के साथ ही आए हैं क्या? वो पेंशन महाकुंभ महेश्वर से शुरू हुआ, फिर कहां गया? अच्छा आपको याद है सर, याद रखना महेश्वर से पहुंचे हम जबलपुर, जबलपुर से कहां पहुंचे? मैहर से कहां पहुंचे? उज्जैन, उज्जैन से कहां है? भोपाल की दाल में। भोपाल, अगर इसके बाद नहीं सुने तो दिल्ली के बादशाह। मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, अभी उनके बारे में थोड़ा मैं कुछ बात में कहूंगा। मैं जानता हूं आज का थोड़ा हैरान बेचैन
बेचैन है, उनका कोई मित्र परेशान है, तो अभी वो थोड़ा सा उलझे हुए हैं बेचारे, अभी मैं उनसे आऊंगा। लेकिन अभी मैं पेंशन के दो बात कहना चाहता हूं, पेंशन हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, पेंशन हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, पेंशन हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। क्या सहमत है? सहमत है? तमाम संगठन लोग कहते हैं अरे पुरानी पेंशन मुद्दा हम भी रखे हैं। रखे हो गए, स्वागत है, लेकिन आपके लिए मुद्दा होगा राजनीति करने का, हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। और जब जीवन मरण का प्रश्न आ जाता है तो फिर लड़ाई गंभीर हो जाती है। एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को NMOPS को समझना। एक तरफ NMOPS होगा सर, एक जंगल में एक शेर बहुत दिन बाद भूखा था, भूखा शेर निकला बाहर और भूखा हुआ था जंगल में, चारों तरफ हड़बड़ा तफरी मच गई। कहा अरे शेर जाग गया, अब जिसको पाएगा खा जाएगा। अचानक उसके सामने एक खरगोश दिख गया। अब भूखा शेर, अब खरगोश आप समझ सकते हैं, अब कहां शेर कहां खरगोश। अब दोनों में दौड़ शुरू हो गई, खरगोश को दौड़ाया, शेर दौड़ाया, खरगोश भागा, शेर दौड़ाया, खरगोश भागा, और भागते 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 अंततः खरगोश बच गया। पूरे जंगल में बात फैल गई, शेर दौड़ाया और खरगोश बच गया। ये कैसे हो सकता? सारे लोग जंगल के खरगोश के पास पहुंचे, अरे भाई बताओ शेर दौड़ाया खरगोश बच गया, कैसे हो गया? ये तो अनर्थ हो गया, ये तो आश्चर्यजनक हो गया, ये विश्व नवा आश्चर्य हो गया, अब बताओ कैसे हुआ। तो खरगोश ने जो उत्तर दिया वो बहुत काम की चीज है। खरगोश ने कहा शेर अपने पेट की दौड़ रहा था, शेर अपने पेट के लिए दौड़ रहा था और हम अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे थे। ये OPS हमारी जिंदगी है और हम जीते की हम खरगोश जरूर हैं, लेकिन जब जिंदगी पे आ जाएगा तो शेर से भी हम जीत लेंगे। ये बात हमारे सबसे कर्मचारी अच्छी तरीके जानते हैं। और NMOPS की वो खरगोश रूपी दौड़ है, चल रही है, आगे बढ़ रही है। NMOPS के संघर्ष ने क्या क्या किया पता है आपको? ये माननीय मंत्री जी भी हैं, ये तमाम सारे संगठनों के बड़े पदाधिकारी हैं, अपने अपने संगठनों के शीर्ष हैं, इनके आह्वान पर हजारों हजारों लोग चल पड़ते हैं। वो सारे लोग NMOPS एक गुलदस्ता है जो सारे लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया, एक साथ बैठा दिया, एक साथ लोग आ गए। ये पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, शिक्षकों कर्मचारियों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो गुलदस्ता NMOPS ने बनाया। पीछे आगे से लेकर पीछे तक सारे के सारे लोग आके बैठ गए। मैं इनके विशालता को, इनके बड़प्पन को भी मैं सलूट करता हूँ। सारे प्रदेश के जो पदाधिकारी विभिन्न संगठनों से आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये गुलदस्ता ने क्या क्या गुल खिलाया? ये गुलदस्ता ने सत्ता की चूले हिलाई हैं। पता है नहीं पता है? 5 बिल्डिंगें बन गई है माननीय मंत्री जी, 5 बिल्डिंगें हिंदुस्तान तैयार हो गई। 5 बिल्डिंगें, 5 बिल्डिंगें तैयार, छठी मध्य प्रदेश हो सकता है, बिल्कुल होकर रहेगा छठा मंजिल। अच्छा बताओ विजय बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये बार बार मध्य प्रदेश ही क्यों आ रहा है? अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और आज फरवरी में, 5 महीना 5 बिल्डिंगें, छठी यही बनानी है। इसलिए आ रहे हैं कि समझ जाओ अभी भी वक्त है, छठी यही बनानी है। एक सत्तापक्ष का विधायक मुझे फोन किया, कहा सर बड़ी हलचल है NMOPS से, सत्ता के लोग पूछ रहे हैं ऐसा न हो कि मांचल जैसा हो जाए।
हम कहे मुझे नहीं पता है। कहीं नहीं ऐसा डर पैदा हो गया है। क्या सही बात है? एक प्राइमरी के मास्टर से सप्ताह डरने लगी है क्या? और अगर डर ना होता तो परमिशन में आना कहानी तो ना होता। और फिर भी एक दिन था, 3 तारीख को हाई कोर्ट के गाइडलाइन पर परमिशन मिला, 4 तारीख टाइम था और 8-5 तारीख उसके बाद भी अजय सैलाब जो उतर पड़ा है। मैं शुरू करता हूं, बहुत सारी हमारी बसों को रोका गया, बहुत सारी जगह पर प्रशासन द्वारा परेशान किया गया, लेकिन जो पुलिस के भाई बैठे हैं हमारी बसों को रोक रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं बसें मत रोको, ये तुम्हारे पेट का सवाल है, हम तुम्हारी भी पेंशन बहाल कराएंगे। और इसीलिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नारा दिया था और आपको भी दे रहा हूं, इनसे नहीं लड़ना, पुलिस प्रशासन से नहीं लड़ना, ये अपने भाई हैं, दुख के मारे हैं, पीड़ा में हैं, हम तो बोल सकते हैं, वो बोल भी नहीं सकते बेचारे, सही बता रहा हूं, इसलिए उनसे लड़ाई हमारे नहीं। और इसीलिए नारा देता हूं, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है, ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। हमें अदर वाले का फोन आया, आप कैसे आ रहे हैं? हम कहे आ रहे हैं बैलगाड़ी से। क्या करना? नहीं सर, शासन पूछ रहा है विजय बंधु कैसे आ रहे हैं। हमने कहा बैलगाड़ी निकल चुकी है, पहुंचेगी। हमने कहा भाई साहब क्या रिपोर्ट मांगे? नहीं रिपोर्ट हमको देना है, हमने जो मर्जी लिख के दे देना। लास्ट में हमने कहा अच्छा ठीक है तुम अपनी ड्यूटी करो। कहा सर ड्यूटी तो कर ही रहा हूं लेकिन मन कर रहा है टेंशन बहाल हो जाए, हम 2013 के हैं। हर कोई मांगे, मैडम ओपीएस का संघर्ष, जो लोग जाएंगे नहीं, मैडम बैठी रही, जो जाएगा उसका नाम कट जाएगा, पेंशन से बाहर हो गया। लिस्ट हमी को देना है शर्मा जी को, इसलिए पूरी बात सुन के जाना है। मैंने जब हिमाचल में मार्च में रैली किया, वो पानी की बौछारें चलाई गई शिमला में, कितना ठंडा होता उन ठंडियों में, पानी की बौछारें, मां बहनों को लाठियां, हमारे सहित 28 लोगों में एफआईआर हुई। मैंने जयराम ठाकुर से वो दिन कह के आया था, ये FIR, ये पानी की बौछारें, ये मात चपातियों की लाठी चार्ज, अगली बार आप सदन में एज ए मुख्यमंत्री नहीं जाओगे, ये प्रतिज्ञा लेके जाना हूं। जीते हैं जंग, और वो चीखे हमारी महिलाओं की पूरे हिमाचल के अंदर घूम घूम डोर टू डोर जाके कही है, ये नालायक सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, अगर ये दोबारा आएगी, आज FIR की है, आज लाठियों से मारी है, आज पानी की बौछार चलाई है, आगे क्या करेगा? वो मार्च किया घर घर गई, वो खड़ गया तंबू। लेकिन हम लोग दयालु लोग हैं, हम लोग दयालु लोग हैं, उनको भी पेंशन दे के विदा किए, हमको नहीं दिए उनको दिया। हिमाचल के साथियों की, शिक्षकों कर्मचारियों की अभूतपूर्व एकता ने एक मुख्यमंत्री को भूतपूर्व बना दिया। कोटि कोटि धन्यवाद। क्या चौहान साहब भूतपूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? उनकी इच्छा है, ये मध्य प्रदेश के लोग बताएं, हमें नहीं पता, आप बताओ, आप बताओ। बहुत शांति है, अब मामला आ गया, नहीं नहीं पेंशन मिल जाए लेकिन मेरी पार्टी है, नहीं नहीं मिल जाए लेकिन हमारा प्रिय नेता है। अरे भूल जाओ प्रिय नेता विचारधारा, जब पेट में रोटी रहेगी तो विचारधारा चलेगी, रोटी नहीं रहेगी तो विचारधारा नहीं चलेगी। और कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण खबरों से अवगत कराना चाहता हूं, एक मिनट। एक मुख्यमंत्री, मैं पूरे मंच की तरफ से मैं शुरू करना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह, आपके गहलोत जी को, माननीय अशोक गहलोत जी को मैं शुरू करता हूं, एक दिलेर मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन राजस्थान में सबसे पहले बहाल करके एक नजीर कर। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का बहाल करो, एक
अशोक गहलोत की डिमांड आई है, मैं सल्यूट करता हूं। अशोक गहलोत जिंदाबाद। और एक ही नहीं, उन्होंने डंके की चोट पे कहा है, कल हम कहते थे, हमारा सफाई कर्मचारी कहता था, हमारा प्राइमरी का मास्टर कहता था, हमारा डॉक्टर लोग कहते थे, हमारे सिपाही लोग कहते थे, पेंशन दो पेंशन दो। आज वर्तमान मुख्यमंत्री कह रहा है, एक न एक दिन इस हिंदुस्तान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये भोजपुर आपके वहां के राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और हम बोले और कोई मुख्यमंत्री बोले, दोनों में फर्क है भाई, सही है। अभी पांच बोलेंगे, मैं तो चाहूंगा कमलनाथ साहब से, मैं सही बता रहा हूं, माननीय मंत्री जी आए हुए काफी आप वरिष्ठ हैं, इधर उधर का मुद्दा पकड़ने के बजाय एक मुद्दा ढंग से पकड़ लीजिए, ये चाबी है सत्ता की बैठे हुए लोग। देश दिवालिया हो जाएगा, और इस व्यक्ति ने अपने टॉयलेट में 35 लाख रुपए खर्च किया तब देश दिवालिया नहीं हुआ। 35 लाख रुपए एक टॉयलेट में हलू हलू खर्चा किया। अर्थशास्त्री है, ये अनर्थशास्त्री है। मैं इनसे निवेदन करता हूं, अर्थशास्त्र की परिभाषा फिर पढ़ो, गुलाबी से बयान मत दो, नहीं ये पढ़ी लिखी कौम है आपको हलू हलू हलिया कर देगी। सिस्टम भारत छोड़ो। एक मुख्यमंत्री ने बोला, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक केंद्र सरकार के अधिकारी ने हमें व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, समझ रहे क्या व्हाट्सएप कि अगर पुरानी पेंशन बहाल की गई तो देश और प्रदेश हमारा दिवालिया हो जाए। और उस व्यक्ति ने अभी अभी अपने विधायकों का वेतन और भत्ता और देखते जाइए, थोड़ा सा इसको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जानना, ये खबर है मेरी नहीं है, ये हाईकोर्ट की खबर है, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। अब उनको काम करने दीजिए, उनको काम आवाज आ रही ना,